सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ, बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात, टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र, क्या होगा सस्ता क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात, तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। एक समय ऐसा था जब टोल प्लाजा को पार करना किसी जंग लड़ने जैसा होता था। कई बार गाड़ियों की काफी लंबी लाइन टोल प्लाजा पर लग जाती थी, लोगों का समय और पेट्रोल दोनों बर्बाद होते थे। सरकार ने इससे निपटने के लिए सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया। उम्मीद थी कि जब सभी गाड़ियों में फास्टैग होगा तो टोल प्लाजा पर समय नहीं लगेगा, लेकिन फास्टैग लगने के बाद भी टोल प्लाजा पर हालात पहले जैसे ही हैं। गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है, लोग परेशान हैं। अब NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्शन में आया है। NHAI ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ जाएगी, यानी आपको 2 गुना टोल टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो क्या है ये बड़ी खबर, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले हम आपको NHAI के नए रूल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये पूरी कहानी क्या है। दरअसल NHAI ने कहा है कि अगर आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो फिर आपसे 2 गुना टैक्स वसूला जाएगा। CCTV के जरिए ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा। NHAI ने ये सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है, क्यों NHAI ने नए निर्देश दिए हैं। असल में सभी गाड़ियों में फास्टैग लगाना जरूरी है, ये नियम पहले से लागू है, लेकिन इसके बाद भी टोल प्लाजा पर पहले की तरह गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। NHAI को जानकारी हुई कि बहुत से लोग अभी भी अपनी गाड़ियों की विंड स्क्रीन पर फास्टैग नहीं चिपका रहे हैं और इसे वो अपनी जेब में रखते हैं या फिर कार के ग्लव बॉक्स में रखते हैं। जब टोल प्लाजा आता है तो लोग फास्टैग अपने हाथ में पकड़कर स्कैन मशीन के सामने दिखा देते हैं। इस वजह से टोल पर टाइम ज़्यादा लगता है, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है और जिन लोगों ने विंड स्क्रीन पर फास्टैग चिपका रखा है वो भी इससे परेशान होते हैं। इस बात का पता चलने के बाद NHAI ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। नियम को नहीं मानने वालों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। फास्टैग के बिना टोल लेन में एंट्री करने वालों को इस फाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों की फुटेज को कैप्चर करने के लिए टोल प्लाजा पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें, सबसे पहले साल 2014 में अहमदाबाद और मुंबई के बीच फास्टैग का इस्तेमाल शुरू किया गया था। इसके बाद सरकार ने साल 2021 से सभी वाहनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2024 से वन व्हीकल वन फास्टैग का नियम भी लागू किया जा चुका है, यानी कि एक गाड़ी के लिए एक से ज़्यादा फास्टैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर NHAI के इस नए कदम से क्या टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।